नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4, इसका प्रश्न नंबर 8 हम कर रहे हैं। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुल संख्या हमें निकालनी है, जो निकालना उसको पहले एक्स मान लो। मान लो हिरणों की कुल संख्या बराबर एक्स। अब जो जो आपको दिया वो देखते जाओ। देखो, आधा भाग मैदान में चल रहा है, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या, इसका आधा यानी x बटा दो, ठीक है, शेष का। अब आधा चर रहा है तो आधा नहीं चर रहा है ना, तो शेष कितने होंगे, x बटा दो। शेष कितने बचे, x बटा दो, ठीक है। x में से आधे चल रहे हैं आधे नहीं चल रहे, तो x बटा दो आधा है, तो x बटा दो शेष भी है। क्वेश्चन के हिसाब से शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद कर रहा है, तो मैंने लिखा खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या कितनी थी, इस शेष का 3/4, इस शेष का 3/4, तो x बटा दो का 3/4, का मतलब होता है गुना, 3/4 मतलब 3/4, ठीक है बच्चों, 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो इसको हल कर लेते हैं हम, x गुना 3, 3x बटा 4 × 8, इतने हिरण खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं, शेष बचे हिरण। अब मैं यहां लिखता हूं ATQ, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है। अब देखो बाकी कितने बचे, टोटल थे x, उसमें से x बटा दो मैदान में चल रहे थे, ठीक है जी, और 3x बटा 8 खेल कूद कर रहे थे, ठीक है। ध्यान से सुनो बात मेरी, x हिरण टोटल थे, x बटा दो मैदान में चल रहे थे, 3x बटा 8 खेल कूद कर रहे थे, ठीक है, और इसके अलावा 9 हिरण और बच गए, तो वो आ गया बच गए 9। टोटल में से जितने मैदान में चल रहे थे और खेल कूद कर रहे थे वो माइनस कर दो, तो बाकी कितने बचे हैं, 9 बचे हैं, ठीक है बच्चों। अब इस इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, एक्स ब्रैकेट खोलो, ये माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक्स बटा दो, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 3x/8, ये बराबर होगा 9 के। यहां यदि x के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। अब हम इन तीन हरों का लघुत्तम ले लेंगे, इनका लघुत्तम आएगा 1, 2 और 8 का लघुत्तम आएगा 8, क्योंकि 8 जो है इन तीनों के पहाड़े में आ जाएगा। अब इस लघुत्तम को क्या करते हैं, नीचे वाले से भाग करते हैं, जो उत्तर आता है उसको ऊपर गुना करते हैं, 8 को 1 से भाग करके आएगा 8, 8 को ऊपर x से गुना कर दिया तो 8x, माइनस का निशान है तो माइनस, 8 को 2 से भाग करा 4, 4 को ऊपर x से गुना किया तो 4x, माइनस का निशान है माइनस, 8 को 8 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 3 से गुना कर दिया 3x बराबर 9। अगले स्टेप में देखो, 8x में से 4x निकाल दो 4x, 4x में से 3x निकाल दो 1x, 1x मतलब x बराबर 9, 8 इधर भाग हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो 9 × 8 कितना हो गया, 72, 9 × 8 कितना हो गया, 72। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी आई है, 72 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है, 72 आई है,
अब हमसे पूछा क्या गया है? अब हमसे पूछा गया है कि हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हिरणों की कुल संख्या बराबर, आप ध्यान से देखें, हमने क्वेश्चन में क्या माना था, हिरणों की कुल संख्या किसके बराबर है, x के बराबर, और x किसके बराबर आया है, 72 के बराबर। तो इसका मतलब हिरण कितने हैं झुंड में, 72। कितने हिरण हैं झुंड में, 72 हिरण हैं। बच्चों ये मनोरंजक सा क्वेश्चन है, उस आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको ये प्रश्न समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।